Assalamu alaikum students, welcome to My Learn Program YouTube channel. Today students, we will start lecture number 70. Students, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्विंग क्या होती है. इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने AWT को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, स्विंग बिल्कुल AWT की तरह होते हैं जो हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज करते हैं. स्विंग जावा फाउंडेशन क्लास का एक पार्ट है. जावा फाउंडेशन क्लास हमारे पास सेट होते हैं डिफरेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स का, जो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि स्विंग हमारे पास AWT की एक्सटेंशन है. अब इस स्विंग को प्रोग्राम करने के लिए स्टूडेंट जो पैकेज हम इंपोर्ट करेंगे वो हमारे पास होगा java.x.swing पैकेज. और यहाँ पे जो स्विंग है वो हमें AWT की बनस्बत ज्यादा हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड, जे लेबल, जे टेक्स्ट एरिया, जे रेडियो बटन, जे चेक बॉक्स, जे मेन्यू, जे कलर चूजर एक्सेट्रा. अब स्टूडेंट्स, अब स्विंग की एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने एक फ्रेम क्रिएट करना है, उसके ऊपर एक बटन ऐड करना है. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वेज हैं एक फ्रेम को क्रिएट करके उसके ऊपर एक बटन ऐड करने के. फर्स्ट जो हमारे पास वे है वो हम कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम क्लास. हम एसोसिएशन के थ्रू जो है फ्रेम के ऊपर एक बटन को ऐड करवा सकते हैं. और देन हमारे पास सेकेंड जो वे है वो इनहेरिटेंस के थ्रू. तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, लास्ट तक देखनी है. हम दोनों वेज से अपना प्रोग्राम करेंगे, स्विंग की प्रोग्राम करेंगे किस तरह हम एक फ्रेम के ऊपर एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं बाय एसोसिएशन एंड बाय इनहेरिटेंस. तो स्टूडेंट्स, आप आ जाइए इक्लिप्स में. इक्लिप्स में आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है. मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है स्विंग एग्जाम्पल के नेम से. आपने अपने फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे जाना है. यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपनी क्लास का नेम लिखना है. यहाँ पे आपको मेन मेथड चाहिए जिसको चेक कर लेना है. यहाँ पे फिनिश कर देना है. चूंकि मेरी ऑलरेडी क्लास मैंने क्रिएट की है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्लास क्रिएट कर लेने के बाद अब यहाँ पे हमने एक फ्रेम के ऊपर एक बटन को ऐड करवाना है. तो उसके लिए हम पहले जो वे यूज करेंगे वो इनहेरिटेंस का होगा. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्विंग का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे पैकेज इम्पोर्ट करवाएंगे. इम्पोर्ट करवाने के लिए इम्पोर्ट का कीवर्ड यूज करके हम यहाँ पे इम्पोर्ट करवाएंगे स्विंग का पैकेज जो हम यूज करते हैं java.x.swing. ये पैकेज हमने इम्पोर्ट करवाया है. डॉट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ये है कि java.x.swing पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी इम्पोर्ट हो जाए. स्टूडेंट्स, इम्पोर्ट करवाने के बाद आपने यहाँ पे जो क्लास क्रिएट किए यहाँ पे आना है और आपने इनहेरिटेंस के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करते हैं. एक्सटेंड्स आपने लिखना है और फ्रेम जो है हमारे पास एक क्लास का नेम है जो हमारे पास जो java.x.swing पैकेज है इसके अंदर एग्जिस्ट करती है. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपने फ्रेम क्लास का यहाँ पे आपने जे फ्रेम. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने नोट करना है हम AWT नहीं करें, यहाँ पे हम स्विंग यूज करें. तो आपने यहाँ पे जे लाजमी लिखना है, जे फ्रेम. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जे फ्रेम आपने ये क्लास यूज करनी है और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ एफ सेमीकोलन. अब यहाँ पे जो आपने क्लास क्रिएट की है खुद से स्विंग एग्जाम्पल, उसका आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और इसकी बॉडी के अंदर जाके आपने एक बटन क्रिएट करना है. जे बटन अब आपने यहाँ पे लिखना है, जे बटन बी. इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इक्वल का साइन लगा के, न्यू का कीवर्ड लगा के जे बटन, उसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया. डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज हमारे पास प्रिंट होगा. अब मैंने यहाँ पे लिखा है क्लिक, तो मेरे बटन पे शो होगा क्लिक लिखा हुआ. सेमीकोलन लास्ट पे आपने नीचे आ जाए नेक्स्ट लाइन पे. स्टूडेंट्स, अब आपने इसका ऑब्जेक्ट जो बनाया है बटन का उसको यूज करते हुए आपने इसकी बाउंड्री सेट करनी है, अपनी बटन की लेआउट आपने सेट करनी है. तो आपने सेट बाउंड्स का मेथड यूज करना है और यहाँ पे आपने इसका दे देने आपने वैल्यू पास करनी है. और यहाँ पे वैल्यू पास करने के लिए आपने यहाँ पे लिख देना है जो जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे वैल्यू पास करनी है. यहाँ पे अपने बटन की विड्थ लिखते हैं और हाइट लिखते हैं. यहाँ पे मैं अपने बटन की 120 लिख रही हूँ और हाइट लिख रही हूँ 30. स्टूडेंट्स, बटन ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पे ये बटन को ऐड करवा देना है फ्रेम पे. ऐड करवाने के लिए आप ऐड का मेथड यूज करेंगे और सिंपल यहाँ पे आपने वी को पास कर देना है. आपका जो बटन है वो फ्रेम पे ऐड हो चुका है. अब आपने फ्रेम की लेआउट सेट करनी है, फ्रेम की साइज सेट करनी है, फ्रेम की विजिबिलिटी सेट करनी है. तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे लिखना है सेट साइज.
ये आपने मेथड यूज करना है और अपने फ्रेम का साइज आपने डिफाइन करना है। इसकी विड्थ और हाइट मैंने 400x400 रखी है, सेमी कॉलन। फिर आपने बताना है अपने फ्रेम की जो आपने विजिबिलिटी वो आपने क्या रखनी है, विजिबल। आप इसको ट्रू कर देंगे तो आपका फ्रेम जो है वो विजिबल हो जाएगा, ट्रू। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने फ्रेम की लेआउट सेट करनी है। लेआउट सेट करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लेआउट नहीं सेट करना चाहती तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नन। लास्ट पे आपने सेमी कोलन लगाना है। स्टूडेंट्स, ये काम करने के बाद अब आपने मेन मेथड के अंदर आना है, जो क्लास आपने खुद से क्रिएट किया स्विंग एग्जाम्पल के नेम से। यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, स्विंग क्लास स्विंग एग्जाम्पल, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एस इक्वल का साइन न्यू स्विंग एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे डबल कोट्स के यहाँ पे आपने वाई रचना है और यहाँ पे आपने सेमी कोलन लगाना है। स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम को टाइप करने के बाद कंट्रोल प्लस एस इसको सेव करना है और यहाँ से आपने इसको रन करना है। जैसे आप रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट में एक फ्रेम आएगा, जैसे कि मेरे पास शो हो रहा है और यहाँ पे बटन आ रहा है क्लिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे मैं इसको मैक्सिमाइज करती हूँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपको ये लेआउट शो हो रही है। ये मेरे फ्रेम का साइज है, मैंने यहाँ पे जो फ्रेम का साइज था वो यहाँ पे दिया हुआ था। स्टूडेंट्स देखिए 400x400 की विड्थ और हाइट 400x400 लिखी थी, इसलिए ये वाली जो बाउंड्री है मेरी फ्रेम की बाउंड्री और ये वाला मेरा बटन शो हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्विंग एग्जाम्पल के हम प्रोग्राम कर रहे थे और अब हम देखेंगे इसका सेकेंड वे कि हम एसोसिएशन के थ्रू किस तरह जो फ्रेम है उसके ऊपर बटन को ऐड कर सकते। जो पहला प्रोग्राम था वो हमने इनहेरिटेंस के थ्रू किया था, अब हम देखने लगे हैं एसोसिएशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, पहले हमने यहाँ पे सबसे पहले वही आपने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करना है java.x.swing, ये आपका पैकेज है। और यहाँ पे आपने इसकी सारी जो क्लासेस के अंदर एग्जिस्ट करनी है वो सारी यहाँ पे इम्पोर्ट करवानी है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एसोसिएशन मेथड देखने लगे तो आपने यहाँ पे एक्सटेंड्स का कीवर्ड नहीं यूज करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जे फ्रेम सबसे पहले आपने फ्रेम क्रिएट करेंगे तभी आप उस पर बटन लगा सकेंगे, इसलिए आपको सबसे पहले फ्रेम क्रिएट करना है। जे फ्रेम की क्लास आपने यूज करनी है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एफ। अब लास्ट पे आपने इसके बाद आपने जो क्लास क्रिएट की हुई है स्विंग एग्जाम्पल, इसका आपने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अब जैसे आप इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर जाके आपने यहाँ पे जो फ्रेम बनाया है उसको आपने क्या करना है, उसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे लिखना है एफ इक्वल का साइन न्यू जे फ्रेम, इसका हमने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अब यहाँ पे आपने लास्ट पे सेमी कोलन लगाना है। अब आपने फ्रेम क्रिएट करने के बाद एक बटन ऐड करवाना है, बटन की क्लास यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, इक्वल का साइन लगा के न्यू का कीवर्ड लगा के बटन का बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे बटन के ऊपर हमें शो होगा। लास्ट पे आपने सेमी कोलन लगाना है। अब आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फिर बटन लिखा, आपने यहाँ पे जे बटन ही लिखना है क्योंकि हम स्विंग यहाँ पे स्विंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम ए डब्ल्यू टी का कर रहे होते तो यहाँ पे हमने सिंपल बटन लिखना था, यहाँ पे सिंपल हमने फ्रेम लिखना था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जे जो हमारे पास वो जावा को शो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपने बटन की बाउंड्री सेट करनी है, बी डॉट सेट बाउंड्स का मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे आपने इस मेथड को यूज करना है और यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज को पास कर देना है। आप वैल्यूज को अपने जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट आप चेंज कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपने अपने हिसाब से इसकी विड्थ और हाइट मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने इसको एसोसिएशन के मेथड के थ्रू करना है तो आपने यहाँ पे जिस तरह हमने स्टूडेंट्स पीछे किया था जो इनहेरिटेंस का था उसमें हमने सिंपल एड करवा दिया था बी को फ्रेम भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है उसके थ्रू आपने उसको असेस करते हुए फ्रेम पे ऐड करवाना है बटन को। तो आपने सिंपल का ऑब्जेक्ट यूज करना है, डॉट ऑपरेटर लगा के आपने ऐड का मेथड यूज करना है, उसके अंदर आपने जो पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास करनी है वो बटन, मतलब आपने बटन ऐड करवाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने फ्रेम की साइज सेट करवानी है, फ्रेम का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, डॉट ऑपरेटर लगा के सेट साइज। अब आपने यहाँ पे सेट उसका साइज कर देना है, कितना आपने साइज रखना है 400, उसकी विड्थ दे रही हूँ, जो उसकी हाइट है वो मैं दे रही हूँ 500। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स उसका साइज सेट करने के बाद फ्रेम के बाद आपने यहाँ पे एफ उसका ऑब्जेक्ट को यूज करते हो, आपने उसकी लेआउट को सेट करना है, सेट लेआउट। अब स्टूडेंट्स आप लेआउट खाली भी रख सकते हैं, मतलब आप कोई भी लेआउट
अभी नहीं भी लगाना चाहें तो आप यहाँ पे सिंपल नल का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने इसकी विजिबिलिटी सेट करनी है, सेट विजिबल। अब यहाँ पे आप इसको ट्रू कर दोगे तो आपका जो फ्रेम है वो विजिबल होना वो आपको दिखाई देगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने जो मेन मेथड बनाया हुआ है आपने इसकी बॉडी के अंदर आना है, जो क्लास आपने से क्रिएट की हुई है स्विंग एग्जांपल के नेम से, उसका आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अब जैसे आप इसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर है आप कॉल करेंगे तो ये वाला हमारे पास जो फंक्शन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने सेमी कॉलन लगाना है। अब आपने इस प्रोग्राम को कंट्रोल प्लस एस सेव करना है और यहाँ से इसको रन करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे फ्रेम के ऊपर एक बटन हमें शो होगा क्लिक, इस तरह का, ये देखिए मेरे बटन शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक का। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो की समझ लगी हो। अगर आपका प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।